चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द एंगल रिमेंस द सेम, इफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब द डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं एयर का, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है पहले एयर में लगा हुआ है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है सेम लेंथ के, मास टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, चार्ज है, इस पे प्लस क्यू मान लो, उस पे भी प्लस क्यू मान लो, आइडेंटिकल है, चार्ज सेम है, मास एम कंसिडर करते हैं तो एम जी नीचे फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एज्यूम करो एक्स है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा एफ वन टू और ये एफ टू वन, ठीक है, एंगल बना रहा है 30-30, तो मैं मान लेता हूँ ये 30 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये थीटा बोल रहा है 30 डिग्री दोनों बीच का एंगल है, स्ट्रिंग्स के दोनों के बीच का एंगल है। थर्ड में टेंशन टी होगा, तो अगर ये टी होगा तो उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, ये भी टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा, करेक्ट है, फिगर क्लियर हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये एफ वन टू को एफ कंसिडर कर लो और एफ टू वन को भी एफ कंसिडर कर लो, क्यों, क्योंकि एफ वन टू और एफ टू वन की वैल्यू सेम होगी, वो कितनी होगी के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एफ की वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एफ के इक्वल हो गया यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब देखो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होगा, एम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की रो मानते हैं, सिग्मा इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट यानी स्फेयर की डेंसिटी सिग्मा मान रहा है, लिक्विड की डेंसिटी हम कंसिडर करेंगे रो, ये पॉइंट याद रखना, ये भूलना नहीं है वरना कंफ्यूज जाओगे, ठीक है, तो इनटू जी हो गया, तो मैं डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को, वन अपॉन इसको वन कर दिया, इसको टू कर दिया, तो वन अपॉन टू करेंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन रो वी इंटू जी, तो tan थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन रो वी जी, अच्छा k की वैल्यू भी पुट कर दें, k की वैल्यू भी अगर पुट कर दिया 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन सिग्मा v इंटू जी, सही है, ये tan थीटा की वैल्यू आई। अब दूसरे एक काम और करते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं, दूसरे फिगर में क्या करें, देखो दूसरे फिगर में हमको लिक्विड यूज करना है एयर की जगह, तो हम क्या करेंगे दूसरे फिगर में देखो जरा लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे मीडियम में, हम क्या करेंगे, अच्छा एंगल सेम रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये थीटा ये भी थीटा, ठीक है, अब यहां ध्यान रखने वाली बात है ये लिक्विड के अंदर हमने इमर्स कर दिया, पूरा सिस्टम लिक्विड के अंदर है, पानी के अंदर, तो बायोएम्सी फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और जो फोर्स लगेगा रिपल्शन का, क्योंकि इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के मान लिया जाए तो फोर्स एफ डैश, नया फोर्स जो होगा वो अलग होगा, इस एफ डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ डैश की वैल्यू होनी चाहिए 1/4πε0 ऑफ वाटर या लिक्विड कर देते हैं इसको हम, ठीक है लिक्विड एल कर देते हैं, ठीक है, और q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस वही रहेगी क्योंकि एंगल सेम रहा है तो डिस्टेंस भी वही रहेगी, ठीक है, अब क्या होगा, हाँ अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, तो एफ डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, सो एफ डैश इज इक्वल टू 1/k इंटू एफ, ये होना चाहिए, ठीक है, अच्छा इसमें थ्रेड में टेंशन,
बायल से फोर्स ऊपर लगेगा, बायल से फोर्स ऊपर लगेगा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो बायल से फोर्स की वैल्यू कितनी, बायल से फोर्स एफ बी, ये बायल से फोर्स ऊपर लगेगा एफ बी, तो और एम जी नीचे लग रहा है, तो इस बार P cos theta की वैल्यू अब कितनी होगी, P cos theta होगी mg माइनस बायंसी फोर्स, ठीक है, और P sin theta तो हम जान रहे हैं, P sin theta is equal to f dash के इक्वल है, P sin theta is equal to f dash की वैल्यू कितनी है, f by k कर देना, ठीक है, अब P cos theta की वैल्यू जरा सॉल्व करें, m की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g माइनस बायंसी ऑफ बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, याद है ना, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होती है, भूले नहीं ना, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई और टी साइन थीटा की वैल्यू ये है एफ बाई के, तो अब यहाँ पर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करते हैं, टी साइन थीटा की वैल्यू एफ बाई के डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, F की वैल्यू, अच्छा TT कटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, F by K, F ऊपर रखा, K नीचे रखा, volume of object density of object into G minus volume of object density of liquid into G, अच्छा tan थीटा की वैल्यू ये आ रही है, अच्छा इससे पहले जब एयर में था तो tan थीटा की वैल्यू तो आई थी, कुछ क्या आई थी वो देखो जरा, tan थीटा की वैल्यू इतनी आई थी, ठीक है, वहां पर F की वैल्यू पुट कर दी गई थी, ठीक है, अगर F की वैल्यू पुट नहीं करते तो क्या होता, ध्यान से देखो, F की वैल्यू पुट नहीं करते तो ये होता F अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G होता, tan थीटा की वैल्यू देखो जरा, ये पूरी वैल्यू x स्क्वायर भूल गए क्या, यहाँ पर x स्क्वायर मिस हो रहा है लग रहा है, x स्क्वायर यहाँ मिस हो रहा है, ठीक है, चल तो F बाय ये होता, तो अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर tan थीटा की वैल्यू F बाय tan theta की वैल्यू, tan theta is equal to f by volume of object density of object into g, जबकि ये कितना है, इतना है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए ना, ये और ये दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेट कैसे 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 करें भाई, f by volume of object density of object into g is equal to f by k into volume of object density of object into g minus volume of object density of liquid into g, F से F कटेगा, अब इसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन है वो ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट g इज इक्वल टू 1 अपॉन k, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, g को कॉमन ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो v से v कटा, g से g कटा, आएगा क्या यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे कर दे, तो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, क्या होगा 1 अपॉन सिग्मा, 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन k ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो, ठीक है, k को उधर भेज दो, सिग्मा को उधर भेज दो, तो k इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, अच्छा ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किधर गया, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल 1.6 और लिक्विड की 1.8 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चलो इसको रखते हैं, क्या होगा 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 कितना आएगा, 1.6 डिवाइड बाय 0.8 इट मींस 2 आएगा, k इज इक्वल टू 2, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 आ गई, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, चेक करो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है ना, सॉरी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।